मॉर्निंग गाइस, देखिए मैं अभी सुबह के 5 बजे हैं, उठ गया हूँ। आज साइकिलिंग पे जाना है जल्दी, क्योंकि फिजियोथेरेपी जाना रहता है। तो फिर यहाँ आकर 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे निकलता हूँ, तो 8 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। तो अभी मैं जल्दी साइकिलिंग पे जाऊँगा, 7 बजे तक रिटर्न जाऊँगा, कि नहा हुआ के अपना आराम से मैं तो चला जाऊँगा फिजियोथेरेपी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, फ्रेश हो गया फिर आपको साइकिलिंग के लिए ले चलेंगे। साइकिल में साइड स्टैंड भी नहीं है, लगाना है, अभी लगाएंगे। अभी कहीं खड़ा करना हो तो सपोर्ट देना पड़ता है किसी चीज़ का। बीच चलती उतर रहे हैं, मस्त तो चल रही है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। क्या चेन का ज़्यादा दिन से चली, जाम है इतने दिन से चली नहीं है ना, जाम। गियर थोड़ा और चेंज करो, छोटा वाला बड़े पे जाने दो, बड़े पे जाने दो, बड़े पे तो है अभी, और थोड़ा ये नहीं पीछे वाला, वाला छोटे पे क्या? हाँ थोड़ा और बड़े पे करो। चढ़ा क्या? हाँ और चढ़ाओ, एक पाओ कर लो, हल्का हो जाएगा। अरे हल्का हो जाए, चलता ही नहीं है, पैडल वाला नहीं चलता है। रिटर्न निकलना भी जरूरी है, टाइम कम है। बैक टू होम, घर के लिए निकल गया हूँ। अब 7:40 6:40 हो गए हैं, और 8 बजे तक का फिजियो पहुँचना रहता, तो घर पे जाके नहा हुआ के फ्रेश होके निकलेंगे, तो ऐसे भी टाइम लगेगा। इसके लिए फिर आज जल्दी घर के लिए निकल गए। कल संडे है, कल लंबे जाएंगे, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है दूसरे दिन, क्योंकि अभी रोज़ का 8 बजे का हो गया, इसलिए थोड़ा टाइमिंग मैच नहीं होगा इसके हिसाब से। मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए अब मैं फिजियोथेरेपी के लिए निकल रहा हूँ, फिजियोथेरेपी के लिए जा रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी से आने के बाद चलिए मिलता हूँ मैं आपसे। चलिए फिर फेस पैक लेके लेटा हुआ हूँ, शोल्डर में भी पेन था, एक्सीडेंट हुआ था तब से पेन है, तभी ये भी लगा के रखा हुआ। अभी बैक पेन तो एक्सरसाइज हो गया, पर उसके बाद आइस पैक नहीं रखा हुआ, ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। 10 मिनट रखना होता है एक्सरसाइज के बाद, जिससे जो पेन हुआ रहता है वो पेन निकल जाता है। इसके लिए चलिए ठीक है, अभी तक उतर ही रहा हूँ, आ गया हूँ ग्राउंड पर, रेडी फॉर गोइंग, जा रहा हूँ मैं। ये देखिए आइस पैक रखने आया था फ्रीजर, रख दिया। अब मैं निकलता हूँ घर के लिए, चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, एक बार अब घर पहुँच के मुलाकात होगी, क्योंकि बाइक पे तो मुश्किल है, अकेले आना है अकेले जाना है। चलिए फिर शूज़ पहनता हूँ और निकलता हूँ मैं, स्टूडियो से ही जाऊँगा, लिफ्ट से जाने पे मज़ा नहीं आता, अब थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, चलने के बाद से फ्रीनेस लगता है, इसके लिए स्टूडियो से ही जाएंगे। थर्ड फ्लोर पे हूँ, थर्ड फ्लोर से आना रहता है, कोई दूर तो नहीं होता। ठीक है, तो मैं घर पे पहुँच गया हूँ, और पहुँच के आके देख रहा हूँ झूले में सोया हुआ देव उठ गया है, मेरा बेटा ये देखिए, और मुस्कुरा रहा है मेरा लड्डू गोपाल, उठ गया बाबू। ए देव देव, क्या कह रहे हो लड्डू? खा नियति, जब रस करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज का दिन ऐसा है, आज है पूर्णमासी यानी पूनम, 16 तारीख को, तो हमारे घर पे आज सत्संग होने वाला है, बहुत दिनों से नहीं हुआ है,
हमारे यहाँ हमेशा सत्संग भजन होते रहता है, तो इसके बाद आज सुबह सुबह हम खाना नहीं बनाए हैं, सिर्फ नाश्ता बनाए थे उपमा, और उसके बाद से आज बनेगा खाना। बहुत सारे लोग आते हैं और भजन सत्संग होता है और हम फिर भोजन भी कराते हैं सबको, इसीलिए लेट से आज खाना बनाएंगे। तो जैसा भी होगा हम आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे, आप लोग हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहेगा और शुरू से लास्ट तक पूरा पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़ गाइज। आप लोग हे गाइज, अभी टाइम हो रहा है 12 बजे, सब मेहमान लोग आ गए हैं, जो भक्त लोग हैं आ गए सत्संग भजन करने के लिए। और देखिए हम इसमें बनाने वाले हैं चावल, ये मैंने साफ करके रख लिया है, और इधर दाल बन गया है, बस उसको छौंक लगाना बाकी है जो मैं निकाल के रखी हूँ मिर्च वर्चा। और यहाँ पे देखिए आप लोग सब्जी आलू परवल और गोभी मिला के बना दिए हैं, और पापड़ छानना है तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा खाना। और उधर सब कोई बैठे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, पहले मैं थोड़ा ये दाल में छौंक लगा लूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिएगा ये चालू हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरा देव उठ गया है, देखिए गाइस ये रहा आलू का चिप्स जो मैं अभी तेल रख दी हूँ गरम हो रहा है छानना, और इधर चावल जड़ा दी हूँ हो रहा है, बस इतना ही काम है, हो जाए तो फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगी, तो मैं भी बैठ के सुनूंगी। देखिए गाइस फाइनली बन चुका है खाना, ये रहा राइस यानी भात, और ये चावल का पापड़, और इसमें आलू का चिप्स है और चावल का भी पापड़ है, और मैं आपको दिखाई थी इसमें दाल है और इसके अंदर सब्जी, और चालू हुआ सत्संग भजन। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 1:30, तो मैं बोली चाय बना दूँ, तो मैं यहाँ पे चाय बना दी और सबको चाय भी ले आके दे दिए थे, और सबको देखिए पी रहा है चाय। देखिए गाइस ये आए थे घर पे, घर से होके गए, सत्संग हो रहा था तो इनको कोई काम था तो अपने दोस्त के साथ गए, बाहर कोई सामान वामान शायद लेना था कि देना था पता नहीं, आप लोग देखिए। हेलो गाइस, तो देखिए हम लोग गए आए थे गाड़ी देने के लिए सचिन से आगे पालीगाँव, काफ़ी दूर है, धूप भी ज़्यादा थी, और जमीत भाई ने कुछ नाश्ता खाना भी नहीं खाया, तो हम लोग फिलहाल चले हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, नाश्ते में लिया है लोचा, सूरत में तो फेमस है लोचा, बाकी जगह तो पता नहीं हमको, मस्त है, चले खा के देखते हैं। लोचा से सूरत में ही मिलता है, किसी में लोचा होता है, हर जगह लोचा लगता है। हाँ हाँ, अरे का सारू जी बढ़िया है। फिर लोचा के बाद से हमने लिया है टिकड़ी भजिया,
ये कुछ बोल रहे हैं प्याज का ही बनता है ये भी, तो इसको भी हम अभी टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है कैसा नहीं, फिर जयवीत भाई आपको रिव्यू देंगे इसका। मैं भी थोड़ा सा दे दूँगा, कड़ी ले दीजिए ना क्या कड़ी पहली बाजू। अभी हमने जो लिया टिकली भुजिया कांदे का ही है मतलब प्याज का, अभी इसको भी चटनी के साथ खा के देखते हैं कड़ी के साथ। ये भी टेस्टी है बढ़िया, इतना मसाला खाने के बाद घर पे जाके लगता है फिर वापस छांस पीनी पड़ेगी, नाश्ते के बाद छांस इसका मजा ही अलग। हाँ ये भाई तो दिखाना ही भूल गए, एक नंबर। और यहाँ पे सत्संग खत्म हो गया तो आरती चालू हो गया। देखिए हमारे यहाँ आरती ऐसे ही होती है कबीर साहब जी की, सबको आरती हो रहा है आप लोग देखिए। आरती चालू हो गई है। ये प्रसाद है आप लोग देखिए, केला है और बूंदी है। आरती खत्म होने के बाद से देखिए खाना चालू कर दिए, खाना हम परोस रहे हैं सबको और सबको ही खा लेंगे फिर चल जाएंगे। फोटो नहीं ले रहे ना, वीडियो आ रहा है। हाँ सब फ्री है। साहेबंदी सब की विदाई हो रही है, अब जा रहे हैं सब अपने अपने घर। साहेबंदी साहेब। हे गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 और सब कोई चले गए हैं, आप लोग तो देखे ही सत्संग भजन हुआ, भोजन भी हुआ, खाना पीना सब हुआ और सब कोई अपने अपने घर चले गए हैं। 5 बजे तक चले गए, उसके बाद से हम सारा काम फिनिश कर दिए, झाड़ू उड़ू लगाना या जो भी बर्तन था सब धुलाई वुलाई हो गया,
और बाबू आज दिन में सोया नहीं था तो वो अभी जाके सोया, वो भी 6 बजे जाके सोया, तो वो सो रहा है तो मैं भी बोली कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, दिन भर तो खड़ा खड़ी ही मतलब काम दाम ये वो सब में बिजी थे, तो अभी जा रहे थोड़ा आराम करने। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस, और बेल आइकन दबाना है और क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो और मैं क्या बोलूँ, अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा कर लीजिए आराम, तब तक के लिए बाय। देखिए गाइस अपने पापा को देख के कितना हैप्पी है, खुश है, यहाँ से रहा है कि रो रहा है कि गा रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहे बेटा? ये मेरा पेड़। अरे अरे जाओ अरे, खाली उठाने की देरी रहती है, इसका चालू हो जाता है ना। बेटा जी Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And